बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी। और मैं हूं मोहम्मद यासर। और हमारा आपका साथ बंदा रहता है सुबह 9 से 11 तक मंडे टू फ्राइडे। और आज भी आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों, तबसरों, बेबाक तरजे के साथ। सबसे पहले बताते हैं जी, 2019 का आगाज़ होते ही पाकिस्तान के लिए अमरीका की खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली सामने आई है। नई पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मिलने का मुंतजर हूँ, ऐसा कहना है अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का। बिल्कुल जी फानी, अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि अगर खित्ते में अमन चाहिए और अफगानिस्तान के अंदर बिलखसूस अगर अमन मुज़ाकरात के ऊपर प्रोग्रेस देखनी है तो पाकिस्तान को उसमें साथ रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से काम इत्तेहादी रहा है और उसकी मदद के बगैर इस खित्ते में अमन मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दूसरी जानब आपको बताएं, गुड्डू थर्मल पावर हाउस के 3 यूनिट ट्रंप जो है वो ट्रिप कर गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि सिंध पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बिजली बंद हो गई है। बिल्कुल जी, बड़ी बुरी सूरत हाल रही पंजाब के अंदर, बिलखसूस जो उसके अहम शहर हैं लाहौर वगैरह के अंदर भी लोड शेडिंग का सिलसिला कल जारी रहा। हर एक घंटे के बाद जो है वो एक घंटे की लोड शेडिंग होती रही, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये है कि इस वक्त पीक सीज़न भी नहीं है, और इस वक्त अगर इस तरह के फॉल्ट आएंगे और ट्रिप करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में जब गर्मियों का मौसम आएगा और जब पीक सीज़न स्टार्ट होगा तो सूरत हाल मज़ीद क्रिटिकल हो सकती है। और ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ये भी आपको बता दें, फिर भी बावजूद इसके अजीब कंडीशन है। वेल आगे चलें, आपको बताएं कि नई जंग हालात जहालत के खिलाफ है, नई जंग जहालत के खिलाफ है, तालीम और सेहत और रोज़गार के लिए है, ऐसा कहना है तर्जुमान पाक फौज का। बिल्कुल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसकी बड़ी अहमियत है और यकीनन अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान में बिलखसूस इस मौजू के ऊपर अब बहस शुरू हो जानी चाहिए कि हमें बहुत सारे एरियाज़ में काम करना है लेकिन एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हुकूमत की सबसे ज़्यादा तरजीह होनी चाहिए, तो यकीन है इसके ऊपर आज प्रोग्राम में ज़रूर गुफ्तगू करें। दूसरी जानब आपको बताएं, वफाकी काबीना का 172 अफराद के नाम ECL में जो डाले थे उस पर जायज़ा कमेटी को भेजने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल जी, जायज़ा कमेटी अब तमाम केसेस का केस टू केस स्टडी करेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि किस शख्स का नाम ECL के अंदर रखना है और किसका नाम निकालना। नेक्स्ट आपको बताएं कि नैब कल बड़ी मुतहरक नजर आई, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। ना सिर्फ साबिक वजीर आजम का उसमें नाम है, बहुत सारे ऐसे वुजरा भी हैं सिंध के और सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिनके खिलाफ भी मजीद नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। बिल्कुल जी, बहुत सारे लोगों के नाम हैं और एक के बाद एक नाम सामने आ रहा है और जितने भी बड़े और अहम सियासी रहनुमा हैं उन सबके नाम अब इंक्वायरीज के अंदर आ रहे हैं, तो देखना ये कि इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस होती है, क्या सबूत पेश किए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बात कर लेते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस तैनात कर दिए गए हैं, दिसंबर तक रहेंगे ये 20 साल। जी तो नोटिफिकेशन जो है इस हवाले से आ चुका है और क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब हैं उनका टर्म पूरी हो रही है, उनका टेन्योर मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट आपको बताया, नवाज शरीफ से मैनुअल के मुताबिक मुशक्कत ले जा रही है, ऐसा कहना है IG जेल खाना जात का। बिल्कुल जी, सज़ा के ऐन मुताबिक जिस तरह की सज़ा सुनाई गई है उसमें मशक्क़त का काम तो होगा और इस हवाले से बहरहाल तहफ़ुज़ात भी हैं, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म है लेकिन कानून क्योंकि सबके लिए बराबर है तो उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी है। लगता है कि नई हुकूमत के वज़रा भी पुरानी हुकूमतों से सीख नहीं पाए कुछ। फैसल वाडा साहब कल बड़े ही अजीब अंदाज में नजर आए, कहते हैं किसी के बाप का नौकर नहीं कि हर किसी को जवाब दूं, ऐसे कहने पर तमाम सहाफ़ियों ने बायकॉट कर दिया। बिल्कुल जी, ये इस बारे में क्या कहा जा सकता है, इससे पहले भी इस तरह के बयान आते रहे, असम्बली के फ्लोर के ऊपर बहुत सारी तकरीर मौजूद हैं, बयान मौजूद हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने आम रहनुमा हैं उनको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख़ुद इस बात के ऊपर नोटिस ज़रूर लें कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और जिस तरह का होस्टाइल बिहेवियर इस वक्त जो है वो अपनाया हुआ है वो सबके लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है। और अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू ज़रूरी है, एक बड़े अहम मामले के ऊपर कल गुफ्तगू होती रही है, रजाक दाऊद साहब की जो कंपनी है उसके हवाले से जो है वो सवाल किया गया और जब साफ़ी ने सवाल किया तो उसके बाद फैसल वावडा जो कि वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल हैं जो उनका रिएक्शन आया वो कल सब हमने मीडिया के ऊपर देखी। बिल्कुल जी, और जवाब तो देना होगा, अब आपने भी ये वही सवालात हैं जो पिछले 5 सालों में आप कंटेनर पर खड़े होकर पूछते थे, आज आपसे जो है वो सहाफ़ी आवाम और सब लोग पूछ रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। वेल नेक्स्ट आपको बताएँ कि जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात हुई है।
बिल्कुल जी, अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि अब बाजगश्त ये सुनाई दे रही है कि हो सकता है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी जो है वो कोई करारदाद आ जाए या उनको भी हटाकर किसी और का नाम जो है वो सामने ले आया जाए। ओपोजिशन के अंदर जो है वो अब नज़र ही आता है कि एक दूसरे को खुश करने के लिए शायद ये मूव भी बनानी पड़े। तो बहरहाल इस हवाले से भी जो है वो अब प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो चुका है सेनेट के अंदर। तेल की तलाश की बात कर ले तो पाकिस्तान के अंदर तेल की तलाश के लिए आने वाली कंपनी को टैक्स छूट समेत दीगर मराद देने का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल जी, एक आम फैसला है, एक बड़ी डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लाइक करती है, इस वजह से हम अभी तक उन रिसोर्सेज को टैप नहीं कर सके हैं। तो जितनी भी गैर मुल्की कंपनियाँ पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं तो पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, और अगर इंसेंटिव्स दिए जाएंगे तो यकीनन फिर ये जो सारे मामलात हैं ये आगे बढ़ सकते हैं। कल एक वीडियो जो है वो बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और वो वीडियो जो थी वो बेसिकली अगर उसकी बात करें कि जो पंजाब के जो सीएम हैं उस्मान बुज़दार साहब, तो गलत नहीं होगा कि जी उनके हवाले से थी वो वीडियो। और उस वीडियो में एक्चुअली हो क्या रहा था कि उनके साथ डेफिनेटली उनके कोई पीएस या कोऑर्डिनेटर साथ में होंगे, और एक बुज़ुर्ग खातून जो थी उनको तारुफ करवाते वक्त उन्होंने ये कहा कि जी ये शहबाज शरीफ साहब जो थे पहले, ये उनकी जगह आए, ये बड़े वजीर हैं पंजाब के। तो इस पर लोगों का बड़ा रिएक्शन सामने आया है कल, और फेसबुक पे खासतौर पे सोशल मीडिया के और ट्विटर की अगर बात करें तो उस पर ये वीडियो कल बहुत वायरल रही। बिल्कुल जी, वीडियो वायरल हमारे यहाँ होती रहती हैं और इस तरह की वीडियोस के ऊपर बहरहाल कल बहुत ज़्यादा बात होती रही। और इसमें समझने वाली बात ये है कि अभी भी जो 4 माह से ज़ायद का अरसा हो गया उनको अपनी पोजीशन लिए हुए, लेकिन लगता है कि अभी तक तारुफ कराने में नाकाम रहे हैं। लेकिन ये पूरी सोसाइटी का मसला है कि जितने गरीब और पसमानदा इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, ये बहुत गौर से सुन लीजिए कि बहुत सारे पाकिस्तान के बड़ी तादाद में आबादी का हिस्सा ऐसा है कि ये जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट फेसेस या फिगर्स हैं जिनको हम रोज़ाना टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, इनसे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, ना उनके नाम जानते हैं, ना उनको ये पता है कि किस अहदे के ऊपर फाइज हैं या वो क्या काम करते हैं। तो बहरहाल ये तारुफ वगैरह तो ज़रूरी है लेकिन अब अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़रूर काम। मुझे लगता है जो साथ में सूबाई वजीर थे जिन्होंने ये तारुफ इस तरह से कराया उनकी बहुत बाद में क्लास ही होगी। वेल, इस पर भी बात करेंगे जी। इसके अलावा बहुत सारी खबरें, और आज बात करेंगे जी पहले सेगमेंट में ही आप के हवाले से, जैसे जाते हैं आपको पता है कि मुख्तलिफ मौजूदात पे यहाँ बात होती है, कोशिश होती है कि आपके जो इश्यूज हैं या आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सवालात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस कराएं यहाँ पर, और जो आपके तहफ़ात हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाए। तो आज हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से अपने पहले सेगमेंट में खसूसी गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी। तो इसी के साथ एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले आज के वार्डरोब की बात करते हैं। आज का वार्डरोब में स्पॉन्सर किया है लाइबास कलेक्शन ने, थैंक यू सो वेरी मच लाइबास कलेक्शन, और बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है जी। हमारे सारे ही डिज़ाइनर जो हमारे साथ होते हैं ऑन बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह के कट्स पे वो डिज़ाइंस पे भेजते हैं काम करके, इट शोज कि जिस तरह से वो डिज़ाइंस बना रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी इनहांस करती है। साथ ही साथ जी इब्राहिम तार वाला हमारे डिज़ाइनर हैं इसके लाइबास कलेक्शन के, जिन्होंने आज का ड्रेस हमें स्पॉन्सर किया है, और बिल्कुल डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, ब्लैक एंड ग्रे पर बना हुआ है जी, और कट्स पे बहुत अच्छा काम किया है, सिंपल एलिगेंट ड्रेस है। तो थैंक यू सो वेरी मच जी। तारिक रोड पर इनकी आउटलेट है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, आप उस पर भी जाकर जो है ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना है, अब घर बैठे ही सारे काम हो जाते हैं, जाने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो वेरी मच लाइबास कलेक्शन फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। के साथ एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी अहम खबरों का आगाज़ हुआ और प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, और उसमें जी बात की कल के अहम खबरों के हवाले से डेवलपमेंट रही उसके हवाले से, और ये बड़ा ज़रूरी होता है जिस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन आज खास तौर पर जैसे हम ब्रेक पर जाते वक्त बता के गए थे कि आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, और HSC का इदारा, इस पर हम पहले भी एक साल हो गया मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जब हमने प्रोग्राम किया था। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इससे पहले भी तमाम मामला डिस्कस होते
رہے ہیں اور اس میں بہت سارے ایشوز تھے جس کے اوپر بات ہوئی بڑی تفصیل سے. بہت ساری لائیو کالز بھی ہمیں موصول ہوئیں. آج بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے سوالات ہیں اس کے اوپر گفتگو آج ہماری رہے گی پروگرام کے اندر. بالکل جی, اور آج بھی ہمیں ہمارے ساتھ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہوں گے. پہلے سے پہلے ڈاکٹر مختار صاحب تھے, ان سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور بڑی ڈیٹیل اور بڑی سیر حاصل گفتگو رہی تھی, اور آج بھی کوشش کریں گے کہ جو گفتگو ہو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے اور خاص کر آپ کے جو ریلیونٹ اور ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرانے کی کوشش کی جائے. ہمارے اس پلیٹ فارم پہ یہی کوشش ہوتی ہے. تو طارق بنوری صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے, اور پی ایچ ڈی انہوں نے کیا ہوا ہے اکنامکس میں ہارورڈ یونیورسٹی سے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ طارق صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو. سب سے پہلے تو ویلکم کہ آپ کراچی میں اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا آپ نے قیمتی وقت دیا ہے. سب سے امپورٹنٹ سوال, اور جو میں ہمیشہ کرتی آئی ہوں اس سے پہلے بھی, آج بھی ایسا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہمارے بچے ہیں اور خاص طور پہ ان کے پیرنٹس ہیں, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ کیا کام کر رہا ہے. ایک اٹیسٹ کرنے کا ڈگری خاص طور پہ, اس کا تو بہت پتہ ہوتا ہے کہ جب ڈگری اٹیسٹ کرانے کی بات آتی ہے گریجویشن کے بعد, تب پتہ چلتا ہے کہ جی ایچ سی کا بھی ادارہ ہے, وہاں جانا ہے اور وہاں سے اٹیسٹ ہوگی ڈگری. لیکن اس کا بھی کیا پروسیس ہے اور یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریف کیجیے. جی, ایچ سی 2002 میں حکومت نے بنایا تھا. یہ صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کی ملا جلا ادارہ ہے. یہ ایک کمیشن ہے جس میں کہ دو ممبرز فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور چار ممبر صوبائی گورنمنٹس کے ہیں. ہر صوبے کی گورنمنٹ کے ایک ممبر. اس کے بنیادی طور پہ چار اس وقت مقاصد ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم جو ساری فنڈنگ جاتی ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو تو وہ ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں. دیٹ مینس اس کا ایک فارمولا ہے ان کی انرولمنٹ پہ, ان کی نیڈس پہ, کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے, کیپیسٹی یعنی پرفارمنس, نیڈ اینڈ انرولمنٹ. ایگزیکٹلی, ان تینوں چیزوں. دی سیکنڈ تھنگ از کہ ہم ریگولیشن کرتے ہیں. دیٹ مینس کہ منیمم کوالٹی اسٹینڈرڈس بناتے ہیں کہ اس سے کم آپ نہیں ہو سکتے. مطلب اگر آپ نے ایک پروگرام شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس پروفیسرز ہونے چاہیے جو کہ تعلیم یافتہ ہوں, لیبورٹریز ہونی چاہیے, کلاس رومز ہونے چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے تو بہت بیسک قسم کے اسٹینڈرڈس ہیں. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری تعلیم کی کوالٹی بتدریج بہتر ہوتی جائے. نمبر تھری, کیپیسٹی بلڈنگ. کیپیسٹی بلڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ میں, یونیورسٹی کی لیڈرشپ میں, یونیورسٹی کے جو اسٹاف ہیں ان کے ٹیکنیکل اسکلز میں اضافہ ہو اور ان کے سسٹمز میں امپرومنٹ ہوتا کہ وہ افیشینٹلی اپنا کام کر سکے. دیٹس دی تھرڈ ایریا. چوتھا ایریا جو بہت ریسنٹلی بہت زیادہ ایک نمایاں حیثیت اختیار کر گیا ہے وہ ریسرچ ہے. تو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ریسرچ جو دی جا رہی ہے, ریسرچ کے فنڈنگ, وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے آ رہے ہیں. تو یہ چار چیزیں ہم کر رہے ہیں. مقصد ہمارا ایک یہ ہے کہ تعلیم کی کوالٹی بہتر ہو, ہر کسی کو تعلیم ملے, یہ آبجیکٹیو ہے, اور تعلیم ہمارے جو سوشل, پولیٹیکل, اکنامک نیڈز ہیں ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے. تو یہ تین ہمارے گولز ہیں, باقی سب چیزیں ہم اس کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ یونیورسٹیز کے اندر ریلیگیشنز کا بھی کچھ وہ ہوا, ایشوز ہوئے, بہت ساری جو ہے وہ کمپلینس بھی آتی رہیں, ان کے لیے بھی کیا مانیٹرنگ ان کی ہو رہی ہے, ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے؟ کچھ یونیورسٹیز یہ کمپلین کرتی ہیں کہ تھوڑی پرابلم ہوتی ہے ایچ ایس سی کے ذریعے کوآرڈینیشن میں, کچھ پرابلم آتا ہے, اس کو کس طرح؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اسٹینڈرڈس ہیں. جی, اسٹینڈرڈس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہونی چاہیے, اس کے بغیر آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ تعلیم, یعنی اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ, تعلیم تو دے سکتے ہیں, وہ تو کوئی بھی آپ کسی سے بھی بات کریں تعلیم ہے, لیکن یہ کہ اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ نہیں کر سکتے اور ان کی ڈگریز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر یونیورسٹیز, واسٹ میجورٹی, وہ ان کو سمجھتی ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتی ہیں. پچھلے چند سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کئی کچھ یونیورسٹیز نے ان کو یا دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کو وائلیٹ کرنا شروع کیا, اور اس سے اسٹوڈنٹس کے رائٹس پہ کافی وہ پڑا, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے بھی رائٹس, سوسائٹیز کے بھی رائٹ. مطلب اگر آپ نے تعلیم اچھی نہیں دی تو ایک تو اسٹوڈنٹ کو بعد میں جا کے جابس نہیں ملیں گے, لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو آتا کچھ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر واقعی وہ ہے تو وہ معاشرے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو میں ڈگری دے دوں ڈاکٹر کی اور آپ کو آتا نہ ہو تو آپ سرجری شروع کر دیں تو اٹس ناٹ گڈ. تو اس میں میرے آنے سے پہلے, میں تو ابھی جون میں تعینات ہوا, اس سے پہلے بھی ایچ ای سی اے نے یہ بہت کلیئر کر دیا تھا کہ اس چیز کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس وقت اور تمام یونیورسٹیز میرے خیال میں ان کو اب یہ کلیئر ہے
کہ جو بھی رولز ہیں آپ نے ان کے ساتھ وہ کرنا ہے, کیونکہ رولز اس وقت اتنے سخت نہیں ہیں, اس سے زیادہ سخت ہونے چاہیے, لیکن وہ جیسے جیسے ہماری یونیورسٹیز کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی ہم ان کو اسٹرینجنٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹینڈرڈ بلڈنگ میجرس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے اسٹینڈرڈز بہت زیادہ لو ہیں. ریجن میں جب کمپیٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فیلنگ جو ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہیں پہ بھی اسٹینڈ نہیں کرتے, بہت ہی ہماری پور ریٹنگ ہے. اس کو کیسے امپروو کیا جائے؟ اس میں دیکھیں نا, دو تین چیزیں. اول تو یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا جو ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہم رکھے ہیں, وہ منیمم اسٹینڈرڈ ایسے کہتے ہیں جن کو ہم ان پٹ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں. لائک مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ تو انشور نہیں ہوتا کہ واقعی تعلیم اچھی کوالٹی کی, مگر کم از کم ایک بیس لائن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ جی آپ نے تعلیم یافتہ اساتذہ ہائر کرنے ہیں اور جتنے اسٹوڈنٹس ہوں اس کی نسبت سے, یعنی یہ نہ ہو کہ 200 بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو توجہ نہیں دے رہے ہیں ایٹسٹرا, تو یہ چیز تو ایک بنیادی ہے. لیکن اس کے بعد اور بھی مزید چیزیں آتی ہیں. اس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ٹیچرز میں بھی اور ان کے سسٹمز میں بھی امپروومنٹ کرنی ہوگی, تو اس کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیپیسٹی بلڈنگ میں ہمارا پہلے بھی پروگرامس چلتے رہے ہیں, ان کو ہم ایک منظوم شکل میں لا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے نئے پروفیسرز اور لیکچررز ہائر ہوں, ہم ان کے لیے ایجوکیشنل افیکٹو ایجوکیشن, ایجوکیشنل کوالٹی, آؤٹ پٹ بیسڈ ایجوکیشن, ان چیز پہ کورسز کریں, کیونکہ یہ چیزیں نارملی لوگ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اسی طرح ریسرچ کے لیے ہم ان کے لیے وہ کروائیں. سیکنڈ تھنگ از کہ ہم اس وقت ٹریننگ پروگرامس کر رہے ہیں جسے کہنا چاہیے یونیورسٹی لیڈرشپ کے لیے. دیکھیں, لیڈرشپ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. مطلب اگر آپ میرے ساتھ کام کریں, میں آپ کے کام میں دلچسپی لوں, آپ کو میں پروموٹ کروں, آپ کو میں سمجھاؤں کہ کیسے کرنا ہوتا ہے, تو یہ ساری مینٹرنگ, یہ پورا سسٹم بنانا پڑتا ہے. تو اس وقت ہمارا نظام جو ہے ابھی بھی 20ویں صدی کے نظام پہ چل رہا ہے, اس کو ہم نے موجودہ اس میں لانا. پھر ہمارے مینجمنٹ سسٹمز کافی کمزور ہیں, پھر اس میں ہم نے وہ کرنا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی اس وقت بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے ایجوکیشن سسٹمز میں آ گئی ہے. ہم نے ایچ ای سی نے بہت بڑا ایک انویسٹمنٹ کیا تھا تقریباً 5 سال پہلے, جس کی وجہ سے تمام یونیورسٹیز کو ایک نیٹورک میں ہم لے آئے ہیں. جی, اور اس سے بہت زیادہ فرق پڑا, کیونکہ یعنی سمپل چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں بلوچستان گیا تو وہاں پہ وائس چانسلر نے مجھے بتایا کہ میرے کچھ کورسز ایسے ہیں جہاں پہ مجھے پروفیسر نہیں مل رہے تھے, تو اب وہ لاہور میں پروفیسر ہوتے ہیں, وہ وہاں سے لیکچر دیتے ہیں, ہماری اسٹوڈنٹس یہاں پہ اس کو اٹینڈ کرتی ہیں. رائٹ, سو یہ اور یہ سسٹم بہت اچھا سسٹم ہم نے بنا لیا اور اس کو وہ کریں. لیکن اب اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا باقاعدہ یوز کرنا, اس کو ڈپلوائے کرنا, اب اس سٹیج پہ ہم جا رہے ہیں. سو یہ دیکھیں نا, کوالٹی جو ہے ایک تو بڑا سٹیپ بائی سٹیپ ہے, تو اس میں ہم کئی ڈائمینشنز کے اوپر اس وقت پروسیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو گریجولی کام کر رہے ہیں. طارق منیر صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے بہت سارے مسائل کے اسی میں اپنی گفتگو میں خود بھی آپ نے شاندی کے ایڈریس کر رہے تھے آپ, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مزید تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نئی پالیسی, کوئی نئی چیزیں آپ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں یا کرانے کا آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ ہم یہ کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام اس کو ایک منظوم طریقے سے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا نیشنل اکیڈمی فار ہائر ایجوکیشن, ہم وہ دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہے ہیں. اوکے, جس کے تحت یہ سب پروگرامس کیے جائیں, اور اس میں یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ سے, اس کے علاوہ ہمارا ایک آلریڈی پروگرام ہے لوگوں کو پی ایچ ڈی کرانے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اس وقت ہمارا وہ انٹینشن یہ ہے اور کمٹمنٹ یہ ہے کہ اگر کسی کو دنیا کی کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے پی ایچ ڈی, تو ہم ان کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ ڈائریکٹلی, اور میں آپ کے وساطت سے تمام اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, آپ ڈائریکٹلی دنیا کی ٹاپ 200 یونیورسٹی میں کہیں پہ بھی آپ ایڈمیشن لے لیں تو ہم آپ کو فائنینشلی سپورٹ کریں. فائنینشلی سپورٹ, دیٹس ریلی گریٹ انیشیٹو. آلرائٹ, یہ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. تھرڈ تھنگ از کہ ریسرچ میں ہم کئی نئی چیزیں ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں, کچھ ریسنٹلی کی ہیں اور کچھ ابھی ہم کر رہے ہیں, تو اگر آپ وہ چیز اس میں دلچسپی ہو تو اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. ہاں بالکل, ابھی ہم کر رہے ہیں. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ آج گفتگو ہو رہی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے, اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں پر طارق بنوری صاحب موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے. جی, اور اس حوالے سے
आप अगर चाहते हैं कोई सवाल करना, खास तौर पे माँ बाप बड़े कंसर्न होते हैं बहुत सारी चीज़ों के एतबार से बच्चों की, और खुद स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि इस वक्त क्योंकि स्कूल का कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का टाइम है तो पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे, तो जो अगर आपने सवाल करना है HSC के हवाले से तो आप बज़रिया कॉल बराह रास्त इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जिस तरह से अभी आपने बात की बहुत अच्छा, उसी से एक बात मुझे बड़ी ज़रूरी याद आ गई कि अभी हमने बीच में देखा था कि बहुत सारे केसेस इस तरह के आए, रिपोर्ट हुए कि जी लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में जो अप्लाई किया बाहर, बच्चों को ये नहीं इतना आइडिया हो पाता, बाहर भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी ऐसी इंटरनेट पर मौजूद हैं जो कि फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस पर जाके जो है वो अप्लाई कर लेते हैं और फिर वो एक अलग ही मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये इस चीज़ की नॉलेज किस तरह से हम अपने बच्चों को देंगे, उनमें अवेयरनेस किस तरह से पैदा करेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करें आया वो सही है नहीं है, ये सारी चीज़ों के लिए क्या काम करें? एक तो ये है कि हमारी वेबसाइट है hec.gov.pk, उसमें हम जो भी यूनिवर्सिटी सही जिसको हम रिकग्नाइज कर लेते हैं उनकी लिस्ट है, ठीक है, तो आप उस पर जाके एक लिस्ट पर सर्च कर लें, अगर आपको मिल जाए तो मतलब है कि वो सर्टिफाइड है, वो ठीक है, सही, अगर ना मिले तो ये भी मुमकिन है कि हमसे रह गई हो तो फिर हमसे पूछ लें, आप मुझे ईमेल कर दें या info@hec.gov.pk उस पे कर दें, डायरेक्ट आप देख लें HSC के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और मुझे रोजाना 100 के करीब ईमेल्स आती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द उनका जवाब, ठीक है। अच्छा सर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो फंड्स के हवाले से बड़े इश्यूज रहे हैं और लोग ये समझने से बिल्कुल कासिर हैं कि जब इतनी फीसेज जो वो चार्ज की जा रही हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, कराची के अंदर ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और उसके हवाले से आए दिन कुछ इस तरह की खबर आती रहती है कि कैश फ्लोज उनके ठीक नहीं हैं, सैलरीज के उनके पास जो है वो पैसे नहीं हैं, फिर एक्सपेंशन की तरफ उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किए थे वो नहीं मज़ीद जो है वो कंटिन्यू कर पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, किस तरह रिजोल्व किया जाएगा, HSC का इसमें क्या रोल बनता है? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम्स तो कई हैं जी जी, एक तो ये है कि हम गरीब मुल्क हैं और रिसोर्सेज कम हैं जी, फिर ये भी हुआ कि पिछले 2 साल में गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फंडिंग आती है लेकिन पिछले 2 साल से गवर्नमेंट की फंडिंग में एक लिहाज से ये कहना चाहिए कि कट्स लगे, उसमें होता ही है, मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि आला तालीम ऐसा महकमा शोबा समझ लें जिसमें कि हर साल आप एनरोलमेंट्स को देखें तो 10-15% स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता है क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है तो वो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता है तो हमें फिर उसातज़ा भी चाहिए होते हैं, फिर क्लासरूम्स भी चाहिए होते हैं, लेबॉरेटरीज भी चाहिए, तो हर चीज़ में इसी तरह से इजाफा होता है, तो गवर्नमेंट अगर हमारे फंड्स में 10-15% इजाफा ना करे तो वो गोया उन्होंने कट लगा, बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में, बाकी डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं ना कि वो एक जगह पे चल रहे हैं। अच्छा, और अभी भी ऐसा हुआ है, विफाक ने आपका बजट मेरे ख्याल से कट तो किया है, अभी ऐसा है कि 2017-18 और 2018-19 के जो बजट थे उसमें बहुत मामूली इजाफा किया था, 2% इजाफा किया था, तो हमारी दानस में यह है कि वो 10% कट लग गए, बिल्कुल इस वक्त जितने हमें पैसे चाहिए तो उससे तकरीबन 25% हम नीचे हैं, तो तमाम यूनिवर्सिटीज इस वक्त बहुत ज्यादा शोर मचा रही है, उसके ऊपर फिर इन्फ्लेशन भी आ गई है, फिर यू नो टीचर्स के बेनिफिट्स में भी इजाफा हुआ, तो इस वक्त सारी यूनिवर्सिटीज पब्लिक यूनिवर्सिटीज क्राइसिस, ठीक है, ठीक है, जब मौजूदा गवर्नमेंट आई, मैंने तो इन्हीं के मतलब अपॉइंट तो पहले हुआ था लेकिन तो उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे कहा कि तालीम हमारा बहुत आला हमारी वो है तरजीहात में शामिल है और आपकी फंडिंग को रिस्टोर करें, ठीक है, लेकिन फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो गवर्नमेंट ने हमसे ये कहा है कि जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम रिस्टोर करेंगे, तो वी आर होपफुल कि ये हमारे फंड जो है रिस्टोर, इस वक्त हम तकरीबन 25% नीचे हैं जितने हमारे पास होना चाहिए, ठीक, और इस वक्त ये है कि बाकी सारे महकमों पे कट्स लग रही हैं उस पर भी हमने कहा कि हमारे ऊपर कट नहीं लगे क्योंकि हम पे ऑलरेडी 25% अब कट लगा चुके हैं, डेवलपमेंट के फंड्स में उन्होंने कुछ जो सारे डेवलपमेंट फंड्स काटे थे उसमें हमें हमारे पर जब वो आया मगर उन हमसे उन्होंने ये कहा कि आपको फंड्स दे दिए जाएंगे आप इस वक्त ज़रा स्लो डाउन कर लें, जो चीज़ अगर नहीं शुरू हुआ उसको भी ना शुरू करें, तो वो हमें समझ है कि इस वक्त जो है फाइनेंशियल क्राइसिस है, सो वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन, लेकिन ये एक इशू है, ठीक है, सिर्फ ये इशू नहीं है, दूसरी जानिब भी है कि जो यूनिवर्सिटी के अपनी मैनेजमेंट सिस्टम फाइनेंशियल सिस्टम्स
वो भी कहीं पे बहुत अच्छे हैं और कहीं पे इतने अच्छे नहीं राइट. तो और फिर ये भी हुआ है कि यू नो अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हो गई. यू नो यानी मैं एक चीज़ देखता हूँ कि देखें तालीम में असल चीज़ तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टीचर. एग्जैक्टली. अगर आप किसी और चीज़ पे पैसा खर्च करने हैं तो इट शुड सपोर्ट दिस. अब हमारे दानिश में यह है कि जितने असातिज़ा हों बाकी यूनिवर्सिटी में स्टाफ तकरीबन उतना ही हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान में कहीं पे 1:4 है, कहीं 1:7 है, कहीं 1:3 है. तो ये हमें लगता है कि इट्स ए वेस्टेज राइट. और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को लोगों को भर्ती करें राइट. और अब वो यू नो एक्सेस हो गया वो मतलब है एक इट्स एन एक्स्ट्रा बर्डन. जैसे पीआईए के ऊपर है हमारे ऊपर भी है मसला. तो उसको भी हमने भी वो करना है ओवर स्टाफिंग भी. यस. अच्छा इन दोनों एचएससी बहुत खबरों में रहा और पिछले 2-3 महीनों की अगर बात कर लें तो ख़ास कर रहा और वो इसलिए रहा कि जैसे होते एक एक केस जो डीजी नैप की डिग्री के हवाले से था जिसको एफआईए ने फिर कहा कि जी इसमें चेक कराएं क्या टेस्ट कराएं ये सारी चीज़ें. ये इशू इतना ड्रैग क्यों कर गया, इनिशियली क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया ऑन वेरी प्रॉपर वे. हमारी तरफ से उस पर कुछ नहीं हो. वो उन्होंने खुद ही आपस में बातें करते रहे. अच्छा हमारी तरफ से देयर वाज नेवर एन इशू. तो ये क्लियर स्टांस था एचएससी का पहले कि डीजी नैप की जो डिग्री है वो सही है. वो एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी है जिस पे हमें काफी तश्वीश थी. तो एचईसी ने 2009 में उस यूनिवर्सिटी से कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप एडमिशंस बंद कर दें. ओके ठीक है ठीक है. उसके बाद वो एडमिशंस उनकी बंद करा दी. उनने फिर भी कुछ इलीगली कुछ किया. उसके बाद 2011 में एचईसी ने उनसे कहा कि जी आपका सिर्फ एक कैंपस है वहाँ पे आप एडमिशन करें, बाकी आप कहीं नहीं कर सकते और सिर्फ इन इन डिग्रीज में आप कर सकते. ओके ठीक. अच्छा लेकिन वो करते रहे एडमिशन्स इलीगली आपके रोकने के बंद करने के बावजूद. ठीक है. अब वो केसेस सारे 2009 से हम चलते आ रहे थे, वो आके मैंने रिजॉल्व किए हैं 2018. ओके. तो 2009 से लेके 2018 तक की तमाम डिग्रीज को हमने रिव्यू किया. ओके. जो बैंड थी उनको हमने कैंसिल कर दिया. Alright. वो नहीं एक्सेप्ट होंगे. कुछ ऐसी डिग्रीज थी जैसे आप देखते हैं ना जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज जिसमें लोग प्राइवेट एग्जाम ले सकते हैं, उसमें हमने उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड किया कि आपके लिए एक प्राइवेट एग्जाम एमए का या बीए का हम करवा देंगे. अगर उसमें आप पास हो गए तो आपकी डिग्री हम एक्सेप्ट कर लें. देखे ना हजारों डीजी नैप किस वाली कैटेगरी में आ रहे थे. ये डीजी नैप की 2002 में डिग्री. ओके. That was before we had said anything. All right, ठीक है. लेकिन तो हमने चूंकि 2009 के बाद बंद कर दी थी तो लोगों ने सबको उसमें उसी खाते में डाला. Okay. लेकिन हमने फैसला जो किया है वो सिर्फ 2009 के बाद किया. ठीक. तो डिग्री बहुत पुरानी. ओके. नहीं वो क्लियर नहीं यार. देखें चीज ये है कि अब मेरे पास यानी व्हेन आई कम इन और मेरे पास लोग केस लेके आते हैं. अब 20 साल पुरानी डिग्री है, 20 साल से हमने किसी को कुछ कहा नहीं. और 20 साल बाद मैं जाके उनके गड़े मुर्दे उखाड़ू. ये मैंने कहा जब जिस दिन से हमने उनको ऑर्डर्स दिए उस ऑर्डर्स के बाद अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया तो हम उन्हें अगर हमने उनको कुछ नहीं कहा और वो मतलब या इग्नोरेंस में या जानबूझ के करते रहे आई विल नॉट गो. ठीक है. अच्छा अब एक कॉलर को ले. अच्छा हां कॉलर को ले. बहुत देर से. अस्सलाम वालेकुम. कौन बात कर रहे हैं, कहां से? बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से. जी बिलाल कहिए. जी सर तारिक बनोरी से मुझे असल में एक रिक्वेस्ट करनी है, समझना क्वेश्चन समझना. जी सर जिस तरह एक यूनिवर्सिटी है कराची में और आप लोगों ने उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप लोग ये करते हैं कि उसके प्रीवियस स्टूडेंट जो हैं जब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी वो तब पास आउट हुए लाइक 2015 में और रिस्ट्रिक्शन 2017 में लगी तो अब जो 2015 में पास आउट हुए हैं उन पे भी बैन लग जाता है कि उनकी डिग्री भी अटेस्ट नहीं हो पाती. तो सर काइंडली इस चीज़ पे कुछ काम कीजिए कि जब एक स्टूडेंट 2015 में पास आउट हुआ है तो उसकी डिग्री क्यों अटेस्ट नहीं हो पा रही, तब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. तो जस्ट मैंने ये रिक्वेस्ट करनी है सर. समझ में आ गया आपको सवाल इनका? मेरे ख्याल में देखें मैं इस चीज़ को एग्जामिन कर लूँगा लेकिन इशू ये है कि हम यूनिवर्सिटी को ऑर्डर्स इशू करते हैं और ये मेरी पॉलिसी है कि जिस दिन हम ऑर्डर इशू करते हैं उसके बाद जो गलत काम करेंगे वो हमें अलाउ नहीं करेंगे. अगर हमने नहीं ऑर्डर्स इशू किए यानी वो हमारी गलती है तो फिर हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं. ठीक है. हालांकि मुझे खुद उस पर वो है यानी तशवीश है कि भाई बच्चों को सही तालीम मिली नहीं मिली उनके उसमें है लेकिन ये कि
وہ ایک پریکٹیکل وہ ہے کہ اگر ہم نے خود کچھ کہا ہی نہیں تو میرا اس وقت رول یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں کوئی پرابلم نظر آیا امیڈیٹلی ہم آرڈرز ایشو کریں تاکہ یہ کہ یہ ایمبیگوٹی نہ رہے. تو پرانی اس کیس میں ہم نے اگر آرڈرز ایشو کیے تھے اور انہوں نے وائلیشن کی تو وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آرڈرز نہیں ایشو کیے تھے اور وہ ہمارے اس سے نظر سے گزر گئے دین اٹ ول بی ایکسیپٹ. اچھا, یہ ابھی پرائیویٹ یونیورسٹی جس کی بات کر رہے ہیں وہی کراچی کی ایک یونیورسٹی ہے, اس کے کیمپس کا بھی ایک ایشو ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ایچ ای سی کی جانب سے پابندی لگا دی گئی, اخبار میں اس کے بارے میں ایڈ بھی دے دیا گیا, اب بہت سارے کورسز سے ان کو وہیں روک دینے چاہیے تھے, لیکن یونیورسٹی کے جو مینجمنٹ ہے اس نے وہ تمام اسٹوڈنٹ سے فیسز بھی چارج کی ہیں اور آگے جو ان کے کورسز تھے ان کو کنٹینیو بھی رکھا. وہ ایک پرٹیکولر ایک کیمپس ہے اس کو بند کر دیا, دوسری جگہ ان کا کیمپس تھا وہاں انہوں نے کلاسز کو ٹرانسفر کر دیا, وہ سما اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. جو پیرنٹس ہیں ان میں بڑی کنفیوژن ہے کہ اس کا یہ فیوچر ہے کیا. دیر از نو ایمبیگوٹی. دیکھیں یونیورسٹیز کو ہم نے بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ جس چیز کی آپ کو تعلیم کی اجازت ہے وہ آپ کریں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. نتھنگ از الاؤڈ. ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے اس کو وائلیٹ کیا and now that we are very clear on this thing, matlab maine to ye kaha ki jab hum order issue karenge uske baad hi us pe amal daramad. theek hai, ab humne orders issue kar diye hain, ab isme kisi koi buffer nahi hoga. acha, right, and the thing is ki that is in the interest of students, taki students ke zehen mein bhi ambiguity nahi honi chahiye, unko ye nahi hona chahiye ki pata nahi ye theek keh rahe hain nahi keh rahe. جہاں پہ بھی غلطی ہے ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا دیتے ہیں, ہم ان کو خط بھی لکھ دیتے ہیں, ہم اخبار میں بھی دے دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیتے ہیں, اور آپ یو نو اسٹوڈنٹ سے یہ کہیں کہ جی وہ ذرا چیک کر لیں اس کے بارے میں. ٹھیک, سو دس از دا دیر از نو ایمبیگوٹی واٹس ایور. اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ کرتے رہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ جی بعد میں ہم پرمیشن لے لیں. تو جب سے میں آیا ہوں, بلکہ میرے پریڈیسیسر نے بھی یہ کر دیا کہ بعد میں پرمیشن ہم نہیں دیں گے. آپ نے جس دن آپ نے ریکوائرمنٹس پوری کی اس کے بعد ہم آپ کو آتھورائز کر دیں گے, اس سے ایک دن پہلے بھی نہیں ہوگا. بلکہ میں نے تو میرے پاس لوگ تشریف لائے, ان کو میں نے یہ کہا کہ جی آپ پلیز یہ کریں, یہ چیزیں ریکوائرمنٹس فل کریں, کوئی مشکل ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو میں آپ کو سمجھا دوں گا, آئی ول سینڈ سمبڈی جو آپ کو ہیلپ کر دیں, لیکن یہ ساری کریں, جس دن آپ کریں گے اس کے فوراً بعد میں آپ کو ایڈمیشن, بٹ ناٹ ون آور بیفور, ناٹ ون منٹ بیفور. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو فالو کرنا ضروری ہے. طارق بنوری صاحب, ایک چیز کا اور بتائیے گا کہ یہ جو فیک ڈگریز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جعلی ڈگریوں کی ہم جو بات کر رہے ہیں بار بار, اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ کبھی ابھی بیچ میں دو نجی یونیورسٹیز کا بہت زیادہ نام آیا کہ ان کے یہاں جعلی ڈگری کی حوالے سے جی ایکشن لیا ایچ ایس سی نے اور بہت ساری چیزیں. سوال یہ ہے کہ ٹائم گزرنے کے بعد کیسے پھر جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, جس وقت یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں یا جس وقت یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ان پروسیس ہوتی ہیں, اس وقت کیوں نہیں ہم پکڑ پاتے, یہ ہمارے یہاں کیوں اتنے فلاز آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کو کیسے کلیئر کرتے ہیں؟ پہلے شاید وہ تھا, اب تو کافی ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے. مطلب ہماری اپنا تو کوئی انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے, ایچ ای سی از ناٹ این انویسٹیگیٹنگ ایجنسی, لیکن دیکھیں نا, چونکہ اسٹوڈنٹس کا وہ ہے رائٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس خود ہی ہمیں لکھ دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میری تو ای میل روزانہ مجھے 100 کے قریب ای میلز آتی ہیں جس میں لوگ مختلف قسم کے پرابلمز ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں, تو ہم پھر ان کو پرسو کرتے ہیں. پہلے شاید سسٹم جو ہے آہستہ آہستہ بنے ہیں, مطلب اس میں کچھ ڈیلیز ہوتی ہوں گی, مگر اس وقت میری سمجھ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیلیز ہیں. لیکن یہ ہے کہ فیک یونیورسٹیز دیکھیں تین ٹائپ کی, سوری فیک ڈگری, فیک تو نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو بالکل کرمنل ادارے ہیں جو کہ بغیر کسی چیز کی بس وہ ڈگریاں چھاپتے ہیں, آپ سے پیسے لیتے ہیں, جی 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 جی, ایسے ایک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں جس کو کوئی وہ ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہی ہے کہ جو امپلائرز جو ہیں وہ بیوقوف ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں, تو اس کے بارے میں تو کچھ بھی یعنی دیر از نو گڈ تھنگ یو کین سے اباؤٹ دس. دوسرا یہ ہے کہ کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے یعنی وہ تعلیم صحیح نہیں دیتے, لیکن وہ ایک قسم کا کچھ ٹیوشن ہاؤس ٹائپ بنا دیتے ہیں, کچھ بہت غیر معیاری ٹائپ کی تعلیم دے دیتے ہیں, اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ بس پیسے لے لیں اور ڈگری دے دیں, تو وہ ایک ان بٹوین کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو ہماری جو اسٹینڈرڈس ہیں ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک تیسری چیز ایسی ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے سسٹمز ٹھیک کر دی ہوں, ایک آدھ چیز رہ گئی ہو اور ہماری اجازت کے بغیر انہوں نے کام شروع کر دیا, تو ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ
लेजिटिमेट लोग हैं, आप ऐसे काम ना करें, ठीक है ना। अगर एक रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा कर लें और उसके बाद आप, यानी जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए उसके बाद आप तालीम शुरू करें, इन एंटिसिपेशन ना करें। ठीक है, एक और कॉल है आपके लिए, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ। जी मोहम्मद यूसुफ से बात, फोन किया है आपको जी, कुछ मसरूफियत की वजह से। आप लोग खैरियत से हैं? जी ठीक है, बहुत दुआएं, बहुत प्यार। बेटा आपके जो मेहमान बैठे हैं वैसे तकरीबन मेरे सवाल का जवाब थोड़ा बहुत तो दे चुके हैं, लेकिन मुझे ये पूछना है कि ये अब जो बच्चे प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं तो दरबा स्कूल, दरबा यूनिवर्सिटियाँ ये इतनी खुल गई हैं, तो इस पर कोई आपकी कानूनी गिरफ्त नहीं है? तकरीबन 50% से ऊपर दरबा मुर्गी खाने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों इस लेवल तक जो खुल गए, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? ठीक है, अभी आपका जवाब लेते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। जी तारिक साहब जी, हम तो कोशिश करते हैं जिनको, जिनके प्रोग्राम्स हम बंद कर देते हैं उन सब हम अपने वेबसाइट पे लगा देते हैं। तो हमारा मशवरा यह है कि हमारी वेबसाइट को विज़िट कर लें तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक एक चीज़ मैं वाज़े करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर एक मुल्क की सर्विस अंजाम दे रहा है और हम उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जितने स्टूडेंट्स उस एज ग्रुप में हैं हम उनमें से तकरीबन 9% या 10% तो तालीम दे पा रहे हैं, और उसमें भी तकरीबन 3/4 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में है और 1/4 जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में। तो मतलब ये कि अगर वो ना होते तो फिर और ज़्यादा कम हो जाता, तो हम चाहते हैं कि वो आएँ और तालीम दें और यू नो फीस जो है वो उनके और स्टूडेंट्स के दरमियान है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तालीम दिए बगैर डिग्रीज के पाकिस्तानी डिग्रीज की या पाकिस्तानी सर्टिफिकेट्स की दुनिया में वैल्यू ना हो, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट करके वो करें। अगर उनको स्टैंडर्ड्स को मीट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे पास आएँ, हम उनकी हेल्प कर दें। ठीक है, हमारे ख्याल में वो स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए लीगली अच्छी मायार की तालीम दे सकते हैं, उसके बावजूद प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है ना, उनको कोई इसमें मसला नहीं होना चाहिए और हम उनको हेल्प करेंगे, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन अगर जहाँ इलीगैलिटी होगी या जहाँ पे भी वायलेशन करेंगे उसको हम वायलेशन तो ऐसा उसको नहीं, नहीं आती, लेकिन जो फीसिस का स्ट्रक्चर है ये बड़ा आप समझ लें कि क्रिटिकल हो गया है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन इस हवाले से आती है, और एक पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा आपका बिलो द पॉवर्टी लाइन रहता है, और ये उनका बड़ा सीरियस कंसर्न है कि जो प्राइवेट एजुकेशन जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये बहुत ज़्यादा फीसेस जो है वो चार्ज करते हैं। हाँ। और हर जगह आपको पता है कि स्लेब्स जो है वो अलग बने, उसमें देखें किस तरह रेगुलराइज किया जाए। नहीं, उसमें हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है जो हमारे लिए इट्स लीगल। मेरी समझ में ये है कि हमने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज इसलिए बनाई है कि तालीम लोगों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल ठीक है। नंबर टू, हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है जो पहले 4 साल हैं उसके लिए खातर ख्वा उसमें अमाउंट में वो स्कॉलरशिप्स हों, ताकि उसको भी अगर लोग अफोर्ड ना कर सकें तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो। मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान उस पॉइंट पे पहुँच जाए कि जो भी जो यानी जिसकी काबिलियत एक मिनिमम स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जो भी तालीम हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकें रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और अदर थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए हम स्कॉलरशिप कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का रोल डिफरेंट होता है, क्योंकि उनका रोल एक तो ये होता है कि वो ऑन प्रॉफिट बेसिस पे कर रहे होते हैं, तो ऑन प्रॉफिट बेसिस पे तालीम की क्वालिटी और कॉस्ट का आपस में बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। ठीक है, एंड और मैं आपको नंबर्स के साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मे बी दिस इज़ नॉट द ओकेजन। तो मैं उसको इतना ज़्यादा रेगुलेट नहीं करना चाहता, उनसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर के कि वो एक स्कॉलरशिप का मत ज़रूर रखें, ताकि एक सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टूडेंट्स शुड बी शुड हैव स्कॉलरशिप्स। एग्जैक्ट, अदरवाइज जो ज़्यादा पैसे दे सकते हैं वो दे दें, उससे कोई हमें वो नहीं, लेकिन कम अज़ कम एक प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए जो कि स्कॉलरशिप। एक और कॉलर उनको भी शामिल कर लेते हैं और फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे अपने सेगमेंट के। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? वालेकुम सलाम, कौन बात करें? नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद, नवीद जी कहिए।
जी मेरा क्वेश्चन ये था मैडम कि आजकल हर गली कूचे में जो है ये आपने देखे होंगे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं जिनका ना सिलेबस कोई प्रॉपर है ना ही उनकी फीसिस का कोई शेड्यूल है कि एक उनके पास कोई तरीकेकार हो कि साल में फीस बढ़ानी है या ये कि उनका कम से कम सिलेबस तो एक हो ना, हर स्कूल का अलग सिलेबस है और स्कूल वो 80-80 गज के मकानों में 3-3 फ्लोर उन्होंने बना लिया और उसमें स्कूल खोल रहे हैं, ना बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है ना उनकी क्लासेज ऐसी हैं कि बच्चे जो है वो गर्मी में बैठ सकें, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ की तरफ भी आप लोग गौर कीजिए ना थोड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से हर तबके का है जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ या बल्कि मेरे ख्याल से पूरे कराची में जो है इस वक्त मेजोरिटी ऐसे ही स्कूल्स की है, तो इनको NOC देते वक्त कम से कम इतना ज़रूर ख्याल करें कि प्लेग्राउंड हो या क्लासेज इनकी हवादार हों, क्योंकि ये तो कोई तरीका नहीं, आप किसी भी एरिया में चले जाएं हर गली में दूसरा जो है एक स्कूल खुला हुआ है नए नाम से। एग्जैक्टली बिल्कुल नवीन साहब, जी जी थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। स्कूल्स के हवाले से हमने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम इससे पहले किया है और सारी चीज़ें उसमें डिस्कस हो चुकी हैं, इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से और हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात हो रही थी, तो ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर हमारी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। इनफैक्ट अब से कुछ देर पहले अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो यही बात हो रही थी इन तमाम चीज़ों के लिए कि स्टैंडर्ड्स बनाएं हायर एजुकेशन कमीशन ने, और वो अभी बता रहे थे तारिक साहब जो हैं वो बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि किस तरह जो इनको मैनेज किया जाता है, क्या उसका सिस्टम है, तो बहरहाल ये डिस्कशन हमारी जारी है। जी बिल्कुल जी, और अच्छा मैं एक चीज़ लास्टली बस जानना चाहूँगी कि अभी हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ों में जैसे PIA की बात कर ले, वहाँ पे भी डिग्रीज के हवाले से जो है वो केस इस वक्त चल रहा है, फिर NAB भी प्रोब कर रहा है कि जी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये सारे मामलात क्या हैं, इस हवाले से भी थोड़ा सा हम आपका मौकफ लेना चाहेंगे कि अब HEC क्या जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर लेने जा रही है। देखें HEC का तो बहुत क्लियर वो है, जो डिग्रीज जब जो anybody can come to us and say कि जी मेरी डिग्री आप अटेस्ट करें जी, लेकिन आप आएंगे तो आप की वजह से मैं इनकी डिग्री नहीं अटेस्ट करूँ, आपको खुद आना पड़ेगा ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइवेसी का भी इशू है। मगर तो उन सबसे इदारों से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपके कोई वो हैं आप उनको डायरेक्ट करें कि जी आप HEC से अटेस्टेशन लें, ठीक है, जिनकी डिग्री वैलिड होगी हम टेस्टिफाई कर देंगे, जिनकी इनवैलिड होगी हम कह देंगे ये हम नहीं सर्टिफाई कर सकते, देन इट्स अप टू देम, यू नो इट्स नॉट कि जी आपको खुश करने के लिए हम किसी को उसमें, जो हमारे रूल्स हैं उसी रूल्स के मुताबिक फैसला हो, ठीक है। यू आर वेरी क्लियर इन दिस स्टैंस, यस एंड एवरीबॉडी देखें इसमें असल में चीज ये है कि वो एक प्रॉब्लम्स कुछ एक्यूमुलेट होते गए और हमने अब वो मेस तकरीबन क्लियर कर दिया, बिल्कुल सही है राइट, तो इस वक्त हम हमारी पॉलिसी जो है बहुत क्लियर हो गई है और ये भी हो गया है कि जिस वक्त हमें प्रॉब्लम्स लगते हैं हम फौरन उसके ऊपर डायरेक्शंस इशू कर देते हैं, तो जिस दिन से डायरेक्शन इशू हो गई उस दिन से वो वैलिड है, और उसके बाद अगर कोई डिग्री आई तो उसको फिर हम अगर वो गलत आई तो हम उसको नहीं अटेस्ट करेंगे एंड देन वी लीव देम, अगर कोई हमसे पूछे ना तो वी विल नॉट से एनीथिंग ठीक है, लेकिन जब हमसे हमारे पास पूछने आएंगे जिसकी डिग्री वैलिड होगी वो अटेस्ट हो जाएगी, जिसके नहीं होगी नहीं होगी, ठीक है। एक लास्ट आपके लिए कॉल बस ले लें, बस फिर एंड कर रहे हैं हम सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहां से? जी मैं खालिद कुरैशी बोल रहा हूँ कराची से। सर से मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं मज़ीद अपनी तालीमात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, मैंने 1985 में आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था यहाँ से और फिर BSc वगैरह की, उसके बाद मैं मज़ीद चाहता हूँ कि फिर मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ कुछ तालीमातें वगैरह हासिल की इसी सिलसिले में, और अभी मैं मजीद चाह रहा था कि मैं अपना PhD को कंटिन्यू करूं, तो यहाँ पे काफी कॉलेजेस वगैरह की तरफ गया, तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये कॉलेजेस से अगर मैंने तालीम हासिल की तो इनकी डिग्री मुझे कल तकलीफ नहीं देगी जिस तरह आप लोगों के यहाँ प्रोग्राम में नशरियात हो रहा है। और दूसरा ये मेरा एक सवाल था, मैं टेक्निकली आई बीन अब्रॉड, तो मेरे पास ये ब्रॉडकास्टिंग जैसे आप बता रहे हैं कि आप बलूचिस्तान में टीचर्स नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम मेरे पास पूरा एक सेटअप है, तो वो मैं किसके पास आऊं अपनी चीजों को नुमाइश करने के लिए कि मैं भी आप लोगों के ऐसे प्रोग्राम में शामिल हो जाऊं और उससे इस्तफीद हूं, तो इसमें बस थोड़ा सा अगर आपका तफसरा हो तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत ठीक है खालिद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। और अभी तारिक साहब से जवाब लेते हैं सर। हमने कोशिश ये की है कि जो प्रोग्राम्स हम ऑथराइज़ करते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ को हमने ऑथराइज़ किए हुए उनका हम इंफॉर्मेशन डाल लें वेबसाइट पे, तो आपके कॉलर से रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, और चेक करें उस यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट, वो यूनिवर्सिटीज़ का एक पोर्टल है उसमें वो है कि नहीं, अगर ना भी हो
तो दोबारा मुझे ईमेल भेज दें chairman@hec.gov.pk तो हम उनको एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बनूरी साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया और आपके बहुत टफ स्केड्यूल में, आई नो कि आप एक से दो दिन के लिए खाली आए मेरे ख्याल से, तो उसमें आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत सारे इश्यूज थे, खासतौर पे वो जो नाप से रिलेटेड भी आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी, क्योंकि हर तरफ हर बंदा अपना अपना मौकफ पेश कर रहा था, तो ऑथेंटिक जो पर्सन है उससे वो क्लियर उसका मौकफ लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इस चैनल के तवस्सुत से आज ये भी मामला क्लियर हो गया, निजी नायब वाला भी, सलीम शहजाद साहब वाला भी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये सेगमेंट अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल्स का, आपके फीडबैक का जी। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट होता है, आपके मुंतखब नुमाइंदे यहां पर मौजूद होते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे सियासी मौजूदात पर। वेलकम बैक जी, एक मतलब फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले जी बात हो रही थी हायर एजुकेशन कमीशन के एतबार से, और चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन आज हमारे साथ यहाँ मौजूद थे, इस्लामाबाद से आए हुए थे और हमने उन्हें पकड़ लिया था। बिल्कुल जी, आज बहुत सारे मौजूद पर गुफ्तगू हुई, बहुत सारे सवाल मौसूल हुए थे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से, जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं मिल सके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में ज़रूर दोबारा से तारिक साहब को जो वो ज़हमत दी जाए चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन को, और उनसे तफसील से मज़ीद गुफ्तगू हो सके। एक चीज़ की जो इन्होंने निशानदेही की वो यहाँ पर आपको फिर बता दें, बहुत सारे सवाल डीजी नैब वाला मामला भी बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन किया, और आपके जो डिग्रीज़ की वेरीफिकेशन के हवाले से या जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं हायर एजुकेशन कमीशन से उसकी तमाम की डिटेल्स जो है वो HEC की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। वेरीफिकेशन के हवाले से भी उसके ऊपर तमाम चीज़ें डिक्लेयर्ड हैं, उनको फॉलो करें और उसके बाद जो है वो आप उसको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। तो वेबसाइट जो है वो बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोर्टल है, उसको आप जरूर जो है गो थ्रू करें। एग्जैक्टली, और जो डीजी नैब सलीम शहजाद साहब का मामला जो बहुत ज्यादा तूल पकड़ गया था और बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था, उसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा डिफाइन करके क्लियर किया कि ये इशू था, ये था और HEC ने इसमें ये किरदार अदा किया और ये सारा मामला था। वेल तो होपफुली अभी मामला भी क्लियर हो गए होंगे। इस सेगमेंट में आपके मुंतखब नुमाइंदे तज्जियाकार सारे हमारे साथ मौजूद होते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है, सियासी नौयत की जो इस वक्त हालात हैं उसके ऊपर बात की जाती है। इस वक्त तारुफ करा देते हैं अपने मेहमानों का, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। उनके हमारा बैठे इम्तियाज फरान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज बात होगी जी खास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वफाक की और सिंध हुकूमत के दरमियान, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब आपकी जानिब आऊँगी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक हमने देखा दो दिन पहले जी खबर आई कि 172 लोगों का नाम ईसेल में डाल दिया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस केस की जब समाप्त हुई और चीफ जस्टिस साहब ने जब रिमार्क्स दिए, उसके बाद फवाद चौधरी साहब का जो विज़िट हो रहा था कराची का वो भी यू टर्न ले गया किसी तरीके से, फिर गवर्नर आज की बातें हो रही थी वो भी थोड़ी सी दम तोड़ती हुई नज़र आई। ये जो इस तरह की सिचुएशन क्लियर क्रिएट हो रही है, जिसके बाद बिलावल साहब ने भी कहा हम उनकी टॉपल कर सकते हैं हुकूमत, वहाँ से यहाँ की हुकूमत टॉपल करने की आवाज़ें लगती रहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों की आवाम के काम के लिए आए थे, फलाह बहबूद के लिए आए थे, और ये तरीके इंसाफ तो ये कहकर आई थी कि जी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन वो तब्दीली आती हुई क्या नज़र आ रही है? देखें, ये जो हालात इस तरह बन रहे हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने माशला लगाया था इस मुल्क में, तो शुरू वाले दो तीन साल जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया था, और ये 9/11 हुआ तो फिर ये उनके ख़ास लोग बन गए परवेज़ मुशर्रफ, तो उसके बाद पैसे आए, मगर ये खान साहब की पॉलिसीज़ भी परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसीज़ में कोई फ़र्क नहीं, टीम भी तकरीबन वही है, हाँ तकरीबन वही टीम भी वही है, कॉन्फ्रंटेशन चाह रहे हैं अब सिंध गवर्नमेंट के लिए, अभी तक तो लोग इंटरेक्ट हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है कि मैं ये आपको बताऊँ कि सिंध में एक ताकतवर जो एक पार्टी है जिनके ताकतवर पीर भी हैं, उन्होंने भी इनके लोगों से मिलने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो उसकी वजह से भी इनका जो बैकफायर हो गया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि खान साहब और उसकी जो टीम है
उनकी सोचें जो है तकरीबन एम क्यू एम वाली सोचें हैं, और इसलिए यहाँ सिंध असेंबली में बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि इनको इनके इन अजायम की वजह से कोई सपोर्ट नहीं करेंगी। ठीक, अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जब इकोनॉमी का मसला है और जिस तरह ये चीज़ें कर रहे हैं, आप देखेंगे स्टॉक्स मार्केट में या किसी भी सनअतकार से इरिस्पेक्टेबल के वो किसी सूबे का है, उनमें मायूसी नज़र आएगी इन्हीं की पॉलिसीज़ की वजह से। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी बैकफायर हो रही है, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं, ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुदकुशी नहीं करें। अच्छा, तो ये इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से है। और देखें, पार्लियामानी डेमोक्रेसीज में ये होता है कि आप किसी को पसंद करें शक्ल के लिहाज से या नहीं करें, अपोजिशन को पसंद करें या नहीं करें, मगर आप इनसे टॉकिंग टर्म्स में रहते हैं। एग्जैक्टली, रूल्स को ये लोग जो है टॉकिंग टर्म्स में किसी से भी नहीं है। और इनके जो अपने इत्यादि हैं वो भी, उनमें भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। एग्जैक्टली, तो ये खुद इस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को नुकसान हो सकते हैं इनकी हरकतों की वजह से। हमारी जो पॉलिसी शुरू से ये रही है पीपल्स पार्टी की या दीगर पार्टीज की कि पार्लियामानी सिस्टम चले। एग्जैक्ट, ठीक है ना। और जो केसेस हैं उस वक्त खुदा ना खासा हमने ये तो नहीं कहा कि केसेस हमें विड्रॉ करें, हमारे लोग हमारी लीडरशिप जेलों में जाती रही है, दोनों पार्टी तीनों पार्टी हर पार्टी फेस कर रहे हैं, तो वो दैट इज सम अदर थिंग। मगर इकोनॉमी या दूसरी चीज़ के लिए भी हमने कहा था कि भाई देयर मस्ट बी चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जरदारी साहब ने ये बात की थी। Exactly. और इसी तरह वो शहबाज शरीफ ने भी इस तरह की बात की थी, दूसरी दीगर पार्टीज ने भी की थी। तो अब इनको चाहिए असल चीज़ों पर कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि चले पार्टीज अपनी जगह पर, नज़रिए अपनी जगह पर, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को फ़ायदा हो, रिलीफ मिलना चाहिए, प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए। इम्तियाज़ फरहान साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो गवर्नर राज की बात स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, कहीं से भी हुई, डोंट यू थिंक ये बड़ी प्रीमेच्योर डिस्कशन है और बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि बहुत सीरियस इश्यूज आपके सामने हैं, सबसे बड़े तो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, उसके हवाले से कोई डायरेक्शन आए, कोई पॉलिसी आए जो अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा जितने फैक्टर्स हैं एक्सटर्नल एक्स वाई जी, सबके ऊपर डिस्कशन हो रही है, सबके ऊपर बयान दिए जा रहे हैं, सबके ऊपर कन्फ्रंटेशन हो रही है, काम की बात नहीं हो रही, बाकी हर चीज़ हो रही है, ये क्या पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, ज़रा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बिस्मिल्लाह। देखिए डॉक्टर साहब ने तो बड़ी एक डीप वो सारी बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए उसने तीन चार बंदे पैदा किए हैं और वो नॉन इश्यूज़ को छेड़ते हैं। मैंने पीपल्स पार्टी के, हमने ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी के लोगों को और नून के और मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त हैं सियासी जमातों में, उनसे गुजारिश की है कि इनकी किसी बात का जवाब देने से गुरेज किया जाए, बराह रास्त इनसे पूछा जाए कि आपके बातें, ये जो आपने वादे किए थे ये कहाँ हैं, ये बातें क्या क्या है, कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं पार्लियामेंट में आऊँगा, कहाँ है पार्लियामेंट में, कब कब आते हैं वो, इतने अहम इशू हो गए, चाइना का दौरा हो गया। अगर पूछ लिया जाए तो वो बुरा मान जाते हैं, अगले ये पूछना चाहिए, हो गए वो कहते हैं मैं आपके बाप का नौकर थोड़ी। बिल्कुल, देखो उसने बिल्कुल सही कहा है, वो इसलिए कहा है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे दोस्त थे साफी दोस्त, उनको बायकॉट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उसको वहाँ बिठा के उससे अपने सारे सवाल, उसको उसने यही करना था, फैसल ने उसको यही करना था कि मैं जान कैसे छूटे। हाँ। और वो छूट गई उसकी जान। हाँ। खड़े हो गए लोग बायकॉट, उनको बायकॉट नहीं करना था। हमारे सीनियर्स ने समझाया है कि बायकॉट कोई चीज़ नहीं होती, वॉकआउट होता है, वो भी टोकन, बस एक आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया फिर आप शुरू हो जाए। ये चौधरी फवाद साहब भी यही कर रहे हैं, वो चौहान है या पता नहीं कौन है, वो भी यही बात, फैयाज चौहान है पता नहीं क्या नाम, वो भी यही काम कर रहे हैं, और उनके अराउंड के जितने लोग हैं वो यही काम कर रहे हैं कि नॉन इश्यूज पे बात की जाए, किसी को पर्सनल हिट किया जाए। देखिए गवर्नर राज की जो बात की ना, या तो 18वीं तरमीम पढ़ी नहीं है उन्होंने, या बाबर एवान साहब घर से उनको छोड़ चुके हैं, अब तक बैरिस्टर हामिद खान साहब तो छोड़ चुके हैं, बाबर एवान साहब भी छोड़ चुके हैं, उनको लीगल एडवाइजर तमाम लोग छोड़ चुके हैं। अब वो 18वीं तरमीम के मुखालिफ बैरिस्टर चौधरी फवाद उनके सिर्फ साथ है। गवर्नर राज अगर एक दफा सिंध में अवल तो लग नहीं सकता, जो 18वीं तरमीम के बाद अगर इस किस्म की फॉरवर्ड ब्लॉक वाली या दूसरी चीजें स्टार्ट की, तो हमें, मुझे कम से कम 20-22 साल का तो तजर्बा है साफती के, चाहे वो कोई भी दौर हो, जब ये स्टार्ट करता है कोई दूसरे के खिलाफ तो एनी हाउ उसके अगेंस्ट आ जाता है और वो फारिग हो जाता है। ठीक है, तो ये काम जो बहुत सारी, देखिए एक मिसाल के तौर पे आसिफ जरदारी 1000 हो जाएंगे, नवाज शरीफ 1000 हो जाएंगे, इमरान खान 1000 हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान आपके पास एक है, बेनामी अकाउंट की जो मैं कहता हूँ एफ आई ए, नेप, एफ बी आर, इस वक्त
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी हुक्मरान जमातों की बी टीम है। अच्छा। और इसके ऊपर प्रैक्टिकली भले कोई कितना कहे कि कितना ईमानदार साहब है, जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नेब नहीं रहे, वो चेयरमैन वजाहत हो गए, यानी वो वजाहतें करते नजर आते हैं, अमली तौर पर नहीं आते। हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है उनका हर फोकल पर्सन, चाहे वो फवाद हुसैन साहब हो, चौधरी फवाद साहब हो, या फयाजुल हसन चौहान साहब हो, या एक्स वाई जेड, वो इफ्तिखार दुरानी आ जाते हैं कभी कभी, वो आ जाते हैं वो जो शहजाद वहजाद हैं कि जी जो पूरी दुनिया में सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तान के टिकट के ऊपर कि जनाब मैं पैसा वापस ले आऊँगा, वो सैफुररहमान की तरह, सैनेटर सैफुररहमान की तरह नहीं ला पाएंगे वो, और उनसे इस बात में बात हो सकती है। ये सारे के सारे एक तो वजाहतों में लगे हुए हैं और ये रोने लगते हैं, कहते हैं जनाब हमने तो केस बनाए नहीं है, ना जरदारी के खिलाफ हमने बनाए, ना नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए, तो उन्हीं के दौर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दौर में तो एहतसाबी अमल चल रहा था, आपके दौर में एहतसाबी अमल चल ही नहीं रहा, क्योंकि अभी तक आप एक भी यानी कि केस रजिस्टर नहीं कर सके जो आप खुद बताते हैं। तो इसका मतलब है आपसे बेहतर वो दोनों गवर्नमेंट थी कम अज कम अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, फिर दूसरी बात जो एक बात बहुत अहम चल रही है 172 वाली जो आपने की, मैं ये समझता हूँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है गुज़िश्ता रोज़ फेडरल कैबिनेट ने, उन्होंने कहा कि जी हम इसको रिव्यू करेंगे, इतने बड़े रिमार्क्स के बाद, इतना उड़ा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी ऐसे इकदाम करने चाहिए, इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि जिससे विक्टिमाइजेशन फ्रॉम द कोर्ट वो इम्प्रेशन ना आए, क्योंकि अगर अगर ये बात नवाज शरीफ के दौर में आई होती सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अगर इस तरह फेडरल कैबिनेट कमेंट्स करती और प्राइम मिनिस्टर केस टू केस की बात करते कि हम इसको जी फौरी तौर पे हम वापस नहीं लेंगे और हम केस टू केस इसको देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद अभी मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उसमें शायद जैसे जो भी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता उसको अब तक बुला चुके होते। मैं समझता हूँ फेडरल कैबिनेट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है कि जनाब आपने इतनी बड़ी अदालत पाकिस्तान की वो तहफ़ुज़ात का इजहार किया है उसने, और उसके बावजूद आप कहते हैं कि केस टू केस देखेंगे, तो फिर बाबर एवान साहब का नाम भी आना चाहिए, जहांगीर तरीन साहब डिक्लेयर्ड सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हैं कि उनकी प्रॉपर्टी दुनिया में भर में पता नहीं कहां कहां पर है, उनके बेटे ने अभी पता नहीं कितने अरब जो अरबों अरब के करीब पहुंच गया है मामला, उन्होंने टीम खरीदी है वो अभी तक वो मिनी ट्रेल उनका पता चले भाई ये कैसे देंगे क्या देंगे, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, वरना तो मैं एक सीनियर साफी जो बहुत सपोर्टिव है सपोर्ट किया करते थे तहरीक इंसाफ को, उन्होंने कहा है कि जब इनकी फाइलें खुलेंगी तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सही बात होगी, ये तनकीद नहीं है, तनकीद हमारा हक है, हमें करना चाहिए जैसे इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जनाब मैं अपोजिशन में हूँ, मेरा काम सिर्फ इल्जाम लगाना है साबित करना नहीं है, तो जब अब उनके खिलाफ इल्जाम लगाए जाते हैं, फैसल वाउडा हमारा यार है देखे हजरत मौला अली करमल्ला वजह का कौल है कि इंसान के पास इक्तदार इख्तियार और दौलत जब आती है तो वो बदलता नहीं है, बेनकाब होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बेनकाब हो रहे हैं इक्तदार आने के बाद, तो बात यह है कि अगर उनसे सवाल ये किया जा रहा है, अगर आबिद शेर अली गलत कर रहे हैं तो वो लंदन में कर रहे हैं, आप लंदन में सू करते हैं उनके खिलाफ, और आबिद शेर अली ने ये बात कही है कि भाई मैं लंदन, ओरिजिनल वाला नहीं जी वो तो विजिट वीजे पे, तो भाई आप इंगेज कर दें अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से, एक हुकूमत बरतानिया को खत लिखवाइए कि जनाब इसको हेल्ड करें वहां पर, और मैं आकर वहां पर सू कर रहा हूँ, मैं वहां पर हूँ। देखे अभी बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पर हमारा यार है डॉक्टर साहब का भी दोस्ती है वहाब बलोच एडवोकेट, और मैं साइन जी एम सैयद का फॉलोअर, मैं बड़ा करीब रहा हूँ आखिरी दिनों में साइन जी एम सैयद साहब के, और आपा दुर्र शवार मेरी माँ की तरह थी, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और वहाब बलोच से मेरी 18-20 साल से, वो बहुत सीनियर सीजन एडवोकेट हैं लॉयर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब की साहबजादी के हवाले से केस किया था इफ्तिखार यानी कि बिहाफ पर, इफ्तिखार चौधरी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब पता ही चला 2-3 महीने पहले कि वो नईमुल हक साहब से मिले, पीटीआई ज्वाइन कर ली, और वो मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया। वहाब बलोच हमारा बहुत, लेकिन मेरा वहाब बलोच साहब से भी सवाल है कि यार आप बहुत बहादुर हो, वाकई बहादुर है वो, बड़ा एमआरडी मूवमेंट में तो बड़ा कमाल काम किया था, हम सब थे उसमें, और उसमें लेकिन ये क्यों क्या हुआ उसको बताना चाहिए, वो कौन सा प्रेशर था, और अदालत को भी इस बात को, सिंध हाई कोर्ट को इस बात को टेकअप करना चाहिए, क्योंकि एडी ख्वाजा एक मिसाल है कि एडी ख्वाजा साहब ने सिंध हाई कोर्ट में कहा कि जनाब मैं अपनी सर्विसेज कंटिन्यू नहीं कर सकता,
तो अदालत आलिया ने उसको हुक्म दिया उन्हें कि नहीं हमारी हिदायत पर। तो मैं ये कहता हूँ कि वहां बलोच साहब ने जो मुकदमा वापस लिया है वो केस अदालत की प्रॉपर्टी है और ये पूरी दुनिया में कभी ना कभी उठ सकता है, लिहाजा इस केस को भी दोबारा लाया जाए। और ऑफशोर कंपनीज में दो पिटिशनर थे, मेरा सिराजुल हक साहब से बहुत मुद्दमाना सवाल है कि मैं इतना मजहबी नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोजा जो भी जक़ात है वो अल्लाह हमसे पूरी करवाता है कि आप मजहबी जमात के सरबराह हैं, आपको इफ बट नहीं चलेगा आपके लिए, आप ऑफशोर कंपनीज के पिटिशनर हैं, आपने ये कहा टॉप से एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हो गई उस शरीफ खानदान की, अब आप सिर्फ जस्ट एक सिर्फ स्टेटमेंट देके क्यों खामोश हो जाते हैं है। और ये बात, दूसरा पिटिशनर है इमरान खान जी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए ऑफशोर कंपनीज के, और इतने सारे लोग हैं उनके खिलाफ भी होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, तो स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप अपोजिशन के पॉइंट्स तो रख दिए फरान ने, इम्तियाज को आपने एक चीज की मुबारकबाद दी थी कि ये अभी प्रेसिडेंट दोबारा हो गए, बिल्कुल हां वो हमने मुबारकबाद दी है इनको, बिल्कुल मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब आप आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा जीआईटी की अगर बात कर लें, डेप्थ में नहीं जाऊंगी मैं, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात करूंगी, कुछ रिमार्क्स कुछ स्टेटमेंट जब नवाज शरीफ के साहब के हवाले से जीआईटी बनी थी तो आपकी जमात के लोगों ने दिए थे कि सही बनी है मतलब ठीक है और उनको एथिकल और मॉरल ग्राउंड्स पर जो है वो रिज़ाइन दे देना चाहिए, बिलावल साहब का भी स्टेटमेंट था। अब आपसे अगर वफाक वाले कह रहे हैं यही वाली बात कि जी एथिकल या मॉरल ग्राउंड्स पर जो है वो रिज़ाइन दे देना चाहिए तो क्या इसमें कोई गलत बात? बेनज़ीर साहब की बात, आपकी बात तो आप कर रही थी तो मुझे बेनज़ीर साहबा याद आई, हम उसके वर्कर रहे हैं और हमारी लीडर रही है, बेनज़ीर साहबा एक जुमला कहती थी, वो जुमला कहती थी जब वो एग्ज़ाइल में गई 98 में तो उन्होंने कहा कि जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद उनके वालिद साहब और उन्होंने कहा उस वक्त की 71 में जो अपोजिशन थी वली खान साहब वाले तो उन्होंने कहा कि सोचती रही तो उन्होंने कहा कि गलती हमसे भी हुई और उनसे भी हुई जिसकी वजह से मार्शल आर्ट लगे तो अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपका सवाल का जवाब मैं बेनज़ीर वाली बात शहीद ने जो सोची थी और कही थी, गलतियां हमसे भी हुई हैं और गलतियां दूसरों से भी हुई है तो अब वक्त ये है कि वो चीज़ें रिपीट नहीं हो तो अच्छी बात, ठीक है जो भी हाल ही में गलती हुई है उसका तस्करा होगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा डिमांड बाबर इमान साहब किया करते थे जो तहरीक इंसाफ में जी 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 यही सारी बात है। अच्छा मैं नहीं कहना चाहता था कि भुट्टो के जब केस का फैसला हुआ तो उस जमाने में वो बाबर अवान और थे और उसके बाद जो केस को परस्यू कर रहे थे वो बाबर अवान तो बेनज़ीर का सिपाही हूँ तो देखें बात सुने हालात इस तरफ जा रहे हैं। मैं सियासी वर्कर की हैसियत से हमारी लीडरशिप जो फैसला करेगी वो आंखों पर और उनको उनके खिलाफ तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, एक वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में है पार्लियामेंट के बाहर जो जो इदारे जो जो मिसाल सिविल सोसाइटी के इदारे जिस तरह ये हमारे फरान साहब बैठे हैं इस तरह के जो जो इदारे हैं इन सब को और दूसरी दीगर सिविल सोसाइटीज़ को उनको एक वाइडर रेंज में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन वाली पॉलिसीज़ वाली पर एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए क्योंकि अगर ये चीज़ें इस वक्त नहीं हुई तो आप समझे कि पाकिस्तान 10-12-15 साल तक एक बदतरीन अमृत की तरफ बढ़ रहा है और इसका हल यही है। सब तो ऑलरेडी मौजूद है ना, अगर उसको ही गो थ्रू कर लें नहीं, नहीं, हम ये कहते हैं कि भले अब वो पढ़ नहीं रहे तो हम क्या करें, मैं कह रहा हूँ कि डिस्कस हो सकता है या तो वही डॉक्यूमेंट या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है और वरना ये कि बदतरीन अमृत की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है 8-10 साल और ये सिचुएशन हम खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसका मुकाबला इसी तरह ही हो सकता है वरना तो एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है सारे पाकिस्तान पर काबिज हो जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक किया, ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल का जवाब और भी लेना चाहूँगी आपसे डॉक्टर साहब, अभी आइंदा आने वाले दिनों में अगर बात करते हैं जैसे बहुत एक बीच में हाइप हो गई थी जिस वक्त हमने 27 को मोहतरमा बीबी शहीद की जो है बरसी भी थी उस पर भी बात हो रही थी और फिर 31 को जब जमात थी जाली अकाउंट्स केस के हवाले से उस पर भी कि जदारी साहब को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है, बीच में आप लोग जो है उनसे दिखाने के लिए यकचहती पहुँचे भी थे बैंकिंग कोर्ट भी जब लास्ट हेयरिंग थी उसी हवाले से पूरी आपकी काबीना। अब सवाल ये है कि अगर इस तरह का कोई मूव होता है और आगे जाके तो फिर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाया अमल होगा, क्या किया जाएगा नेक्स्ट, क्या पॉलिसी? देखिए इस सिलसिले में बिलावल साहब की ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है, उन्होंने कहा था कि ये जो ECL के हवाले से या दीगर हवाले से कि भाई हम अगर तहरीक चलाएंगे तो आवाम के मफादात, महंगाई के लिए, बेरोज़गारी के लिए, अमन अमान के हवाले से, क्योंकि देखे ना ये जो नेशन एक्शन प्लान है वो खामोश हो गया है, ठंडा पड़ गया है कभी, अभी तक इमरान खान को 4-5 महीने हुए, एक मीटिंग ही एपेक्स कमेटी की नहीं की है। तो ये जो आवाम के जो बेसिक इश्यूज है उस पर हम तहरीक चलाएंगे। जहाँ तक जेलों का ताल्लुक है तो जेल में पहले भी पीपल्स पार्टी के लीडरशिप गई है और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है, पर यह कि अगर बिलावल को अगर खुदा न खास्ता हाथ डाला गया तो उसका तो रद्देमल होगा, ठीक, उसका तो रद्देमल होगा, आ सकता है, ठीक। अच्छा ये एक बड़ा प्रॉब्लम भी है इम्तियाज़ फरहान साहब के, अब बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं और यही बात जो है कुछ अरसे पहले होती रही नवाज शरीफ साहब के लिए भी कि उनको अगर अरेस्ट किया गया इस तरह के अगर होंगे तो बड़े सीरियस उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ और मामला हो गया। फिर शहबाज शरीफ साहब लेकर पहुँचे तो थे अपना एक काफिला जिसको वो कह रहे थे, वो पहुँच नहीं सके, वो क्या मामला थे चलें उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी एक लिटमस टेस्ट था जरदारी साहब के अरेस्ट के हवाले से और स्ट्रीट पावर शो करनी थी, ये बताना था कि हमारे पास जो अभी भी लोगों को जो है वो बाहर निकालने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। कुछ क्रिटिक्स इस चीज़ को पॉइंट आउट किया उन्होंने, तो क्या आपके ख्याल में अब दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद है, स्ट्रीट पावर मौजूद है जिसके बिहाफ पे वो कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं, क्या इसके ऊपर एनालिसिस? देखिए डॉक्टर साहब का ताल्लुक बराह रास्त पीपल्स पार्टी से है और हम ज़ाहिर है कि एक ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद होते हैं, मेरी इतला के मुताबिक, और मैं उसको एक क्लेम करता हूँ इस बात को कि मेरी इतला के मुताबिक अगर आसिफ जरदारी साहब पर हाथ डाला गया और फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी हुई तो पीपल्स पार्टी स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आसिफ जरदारी साहब कोर्ट को कैसे फेस करते हैं और हर तारीख एक पावर शो का होगी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के अगेंस्ट नहीं आएगी। लेकिन जहाँ तक बिलावल भुट्टो के ऊपर बात है, और ये बात मैं समझता हूँ कि बहुत ऊपर रियलाइज हुकूमत से हट के रियलाइज कर ली गई है कि अगर बिलावल के ऊपर हाथ डाला गया तो फिर होगा, और मेरी इतला के मुताबिक 6 से 7 लोग थे या इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे, और लेकिन 10 से ज़्यादा वो नहीं थे, 6-7 लोग जो मेरी इतला के मुताबिक उसमें ये थे, ये यानी कि हुआ है कि बख्तावर या आसवा में से कोई एक लीड करेगा उसको, और मेरी इतला के मुताबिक बख्तावर ने उस बात को ऑन किया है, शायद आसवा को वो ना निकलने दे और बख्तावर उसको ऑन करेंगी, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में जब इस तरह निकलते हैं घर से ख्वातीन या कोई एक इस तरह निकलती हैं तो क्या सूरत हाल सामने आती है वो एक अलहदा है। सिंध का मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं सिंध वासी हूँ, सिंधी हूँ, कि सिंध में क्या उसका रिएक्शन होगा, हो सकता है, मैं नहीं समझता कि फिर कोई सूरत हाल को काबू में यहाँ रख पाएगा, क्योंकि 83 की MRD मूवमेंट मोहतरमा मैं उसका कॉलेज में पढ़ता था, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा उसको लीड करती थी, लेकिन बड़े उस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह साहब और सब हयात थे और वो सब देखते थे, लेकिन 85-86 के बाद जैसे ही शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एंट्री हुई है तो MRD पता नहीं कहाँ पहुँच गई, उसके बाद हुआ ये कि फिर बैक होना पड़ा उनको, सब जो ज़ियाउलक साहब मौजूद थे उस वक्त उनको बैक होना पड़ा, बहुत सारी इलेक्शन कराने पड़े, और जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे वो भी मैंने बीबी को अगर 2-3 बातों में कभी भी देखा कि वो अफसोस का इजहार करती थी तो उसमें एक अफसोस होता था 85 के इलेक्शन का, वो कहती थी कि ये बायकॉट जो था हमारा ये गलत है, तो इसके बाद उनकी तरफ से सख्ती से हिदायत थी जो हमारे सामने भी 1-2 मरतबा दी कि बदतरीन हालात में भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाएगी, रिजल्ट कुछ भी हो। एक मरहला था कि शायद 11 सीट नशिस्तें थी पीपल्स पार्टी के पास और वोट नून से ज़्यादा थे और नून के पास बहुत सारी नशिस्तें थी जो कि ये सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरी बात एक जो है ना, देखें बेनामी अकाउंट के हवाले से वो हमें अभी हम एक रोज़ पहले थे, एक सेमिनार था PPF का, उसमें जावेद मोहतरम जावेद जब्बार साहब भी थे, उन्होंने मीडिया कमीशन के हवाले से बहुत सारी बातें बताई, और हमारे मोहतरम जियाउद्दीन साहब भी आए हुए थे और हमारे PFU जो है कि जो ग्रुप से उनके रहनुमा भी मौजूद थे, सुहेल अफजल खान साहब मौजूद थे, हसन था, ये जमाली GM जमाली साहब भी हमारे मौजूद थे और हमारे खुर्शीद अब्बासी साहब भी मौजूद थे।
वहां पे मीडिया कमीशन की भी बात होगी, लेकिन बेनामी अकाउंट में उस वक्त भी मैंने उस वक्त उनके सामने कहा, उसको रियलाइज किया, देखें बेनामी अकाउंट के नाम पे हमारे मुल्क के इदारे, उसमें नेब, एफबीआर और खासतौर पे एफआईए, पाकिस्तान के बैंकिंग निज़ाम को पूरी दुनिया में क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, और जो बहुत जल्द अगर ये सिलसिला चलता रहा बन जाएगा। उसकी वजह ये है कि हर दूसरा अकाउंट आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बेनामी अकाउंट है, जबकि अगर वर्ल्ड बैंक ने या आईएमएफ ने या यूएनओ ने एक अगर सर्कुलर, जैसे आपको याद होगा पोलियो के हवाले से जारी किया था कि पाकिस्तान से कोई ट्रेवलिंग विदाउट वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो नहीं हो सकती, सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए, तो पूरी दुनिया में आप क्वेश्चन बन गए थे पैसेंजर, भले वो पाकिस्तानी हो नॉन पाकिस्तानी हो, उसकी ट्रेवलिंग प्रॉब्लम हो। अगर आपके बेनामी अकाउंट का जो आप ढोल पीट रहे, अगर इस ढोल के बाद आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने या यूएनओ की तरफ से एक सर्कुलर आ गया कि पाकिस्तान में तमाम अकाउंट्स की तफसीलात हमें फराहम की जाएं, और जितने भी बैन अलाक्वामी सौदे होंगे विदाउट क्लियरेंस नहीं हो सकते, तो आपका पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम, आपकी मईशत ऐसे गिरेगी खुदा ना खासा कि जैसे बीसीसीआई बैंक डूब गया था, ख़त्म हो गया था, जो पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुका सर, और क्या क्रिटिकल अच्छा, होगी फटाफट में आपका नाम आ चुका है, इसके अलावा ग्रे लिस्ट में आपका नाम है तो और क्या होगा। अच्छा इम्तियाज साहब, मैं शॉर्टली क्योंकि टाइम बहुत कम है आपसे एक चीज का जवाब लेना चाहूंगी, बीइंग एन एनालिस्ट मुझे ये बता दीजिएगा कि एक स्टेटमेंट तीन दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद साहब ने दी कि अगर मेरे बिलावल को आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया तो मुझे दुख होगा, व्हाट डज इट मीन? बताइए। देखिए ये शेख रशीद साहब जो है ना, ये बहुत मशहूर है वहाँ पे पिंडी के अंदर, बड़े मशहूर है, आप जाए और बहुत सारे ऐसे जगह हैं वहाँ पे इनकी शोहरत आपको आइंदा आने वाली कबीना में भी अपनी जगह बना रहे हैं ये, देखिए वो भी ये जुमले होते हैं इनकी, जुमलेबाजी जो है ना इनका, इनका बिल्कुल पक्का जवाब फयाजुल हसन चौहान थे जब इनके मुखालिफ थे, और वहाँ पे हनीफ अब्बासी जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं, वो उनके जो है हमारे जुगतबाज जो है ना लाहौर में, वो उनका एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं शेख रशीद साहब के हवाले से एक बात कहूँ, आपको याद होगा शेख रशीद साहब हर दूसरे तीसरे महीने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे नजर आते थे, वो कहते शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं छोड़ूंगा, जेल जाएगा ये, एलएनजी में जेल जाएगा। तो मोहतरम शेख रशीद साहब से गुजारिश है कि अब क्यों नहीं जाते? इस हुकूमत ने आके सबसे पहला काम ये किया था, एलएनजी की इंपोर्ट और बढ़ा दी थी, और एलएनजी पे सब्सिडी कंटिन्यू रखी थी, और ये इमरान खान समेत पूरी कैबिनेट में किसी के पास जबान नहीं है जो एलएनजी की मुखालफत किया करते थे और कहते थे जेल में जाएंगे, कि एलएनजी के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी पे कोई एक लफ्ज कह दे, नहीं कहते। इसका मतलब ये हुआ कि ये शेख रशीद साहब अब एलएनजी के या तो हिस्सेदार हो गए या हुकूमत भी हिस्सेदार हो गई, जो हुई है उसकी वजह यह कि मैं सिंध का रहने वाला, खैबर पख्तूनख्वा के आवाम और हमारे बलूचिस्तान के आवाम, जो सीएनजी निकलती है, सीएनजी जो आती है, जो नेचुरल गैस हम लेते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं, और ये मुस्तकबिल में पंजाब और तीनों सूबों को लड़ाने की साजिश है, और ये कि एलएनजी वहां जा रही है, इस्तेमाल पूरा सुई नॉर्दर्न का सिस्टम हो रहा है, और शॉर्टेज हमारे पास हो रही है, सबसे ज्यादा हमारे पास शॉर्टेज हो रही है, और हमें, हम नहीं कहते पंजाब के अवाम हमारे भाई हैं, सब कुछ है, उनको खड़ा होना पड़ेगा कि एलएनजी के नाम पर उधर सप्लाई दी जा रही है, वहाँ चूंकि लोड शेडिंग अब नहीं है, अच्छी बात है, ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था और उन्हें फैसिलिटेट किया था, लेकिन इस तरह हरकत नहीं की थी नवाज शरीफ ने, जनाब आप दूसरे सूबों को महरूम करें, उनसे आप ड्रिलिंग के पैसे लें, पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लें और वहाँ पे आओ और हमसे ज्यादा सस्ती दे रहे हैं उन्हें। ठीक है सेंटर साहब, आपकी जाने में होंगी, करीम खवाजा साहब ये बता दीजिएगा, ये बार बार क्लेम करिए वफाक पीटीआई ने मुतअद्दिद बार इस हफ्ते ये क्लेम किया, कल तक शेर जमान साहब भी ये बात बोल रहे थे जी इनके 30-25-30 MPs हमारे रबते में हैं, ये क्यों इस तरह की बात हो रही है? अच्छा इस तरह की बात तो कभी तब आती है ना कि कोई भनक हो या कोई एक लाइन दी हो, कोई इशारा दिया हो, आप नहीं लगता कि इतना बड़ा क्लेम ऐसे ही कर रहे होंगे? बस ये अब सब एंटरटेनर हो गए ना, अच्छा शेख रशीद और ये अपना जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये तो यहाँ लोग कह रहे हैं ना, इनके सारे MPs कह रहे हैं, अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह के वो 31 तारीख आ रही थी जी, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना था, तो इस तरह की बातें कि 30 जने जी, भाई अगर फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं या दूसरी चीज बनती है तो 3-4 पर सारी हुकूमतें गिरती है, जिस तरह इनके 6 वोट्स पर चल रही है वफाक में जो गिर सकती है, जो इनके अपने वोट नहीं है, अच्छा, टेक्निकली स्पीकिंग जब गवर्नमेंट को 30 वोट्स बड़ी फिगर है, 30 या 20 बड़ी फिगर है,
और अगर 3-4 वोट होते तो चलो डिबेट हो सकती थी, 30 वोट मैं नहीं समझता हूँ, जस्ट टू किल द टाइम, जस्ट टू आपको मुकम्मल ट्रस्ट है आपके लोग पीछे से नहीं कर सकते बैकडोर से रास्ते। सिलसिले में वजीर आला सिंह ने भी ये स्टेटमेंट कल परसों दी थी, बिलावल साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, हम तो छोटे वर्कर हैं, हम समझते हैं जो हमारे दोस्त भी एमपीएस हैं, मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ। अच्छा एक चीज और बताइएगा कि अब ये जो खुर्रम शेर जमान जो आए दिन मुतालबा कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के इस्तीफे का, ये मामला किस तरफ जाएगा और ये जो मुतालबा हो रहा है इस तरह की इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खुर्रम शेर जमान देते रहे शुरू से लेकर लास्ट टाइम भी, लास्ट जब हमारी थी उसमें भी ये, इससे गेन क्या होगा? असल मसला ये है शेर जमान हमारे दोस्त हैं पर खान साहब उस पर ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा खान साहब समझते हैं कि ये किसी और से मिला हुआ, वो सरदारी साहब की इजाजत दें, डॉक्टर साहब की इजाजत दें, एक जीआईटी पे एक मामला आया सब्सिडी देने का शुगर मिल की जो बिजली थी जो ये ओमनी ग्रुप के हवाले से। मजे की बात है दीदा के सिंध असेंबली ने उस पर लेजिस्लेशन की, ठीक है उसका मूवर आपको पता है कौन है? खुर्रम शेर जमान साहब है। जी जी ठीक है, तो फिर जीआईटी में इनका नाम क्यों नहीं है? इनका नाम होना चाहिए। और उस दिन ये एबसेंट थे जब इनका वो मोशन टेकअप किया गया, ये उस दिन ये गायब हो गए थे, बिल्कुल ये राइट। तो भाई बात ये है कि इसमें, और दूसरी बात फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बन भी जाता है, 30 नहीं हम कह रहे 20 आ गए या 15 आ गए, हो सकता है, ये कोई नामुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में सब हो सकता है, तो भाई क्या उनके पास मिनिस्ट्रीज नहीं आएंगी? चीफ मिनिस्टर किसका बनेगा? मुस्लिम लीग फंक्शनल का होगा या मेहर बिरादरान होंगे या पीटीआई का होगा या क्या होगा? फिर भानमंदी का कुर्बा या एमक्यूएम? देखें सिंध में अगर आप एमक्यूएम को शामिल करेंगे तो इस वक्त पीपल्स पार्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकती एमक्यूएम को शामिल करना, ये कहाँ खड़ी होगी जीडीए, कहाँ खड़े होंगे मेहर वाले, बिल्कुल। तो ये चीज है, ये होता है पॉलिटिक्स में, ये कोई हर्ज नहीं है, ये होती रहती है। जैसे हमदा शहबाज ने कहा था कि हम पंजाब में हुकूमत बदल देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहां पे इसलिए थोड़ी समझ आती थी कि चंद वोटों का मामला है, जैसे फेडरल में भी होता है। ये बातें मैं समझ रहा हूँ तहरीक इंसाफ सही डायरेक्शन में जा रही है, ये काम है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का जो दो बड़ी जमातें हैं, बाकी सब बेचारे फंस गए थे ना जवाब देंगे, बिल्कुल स्टेटमेंट देके हुकूमत को जिगजैग निकल, ये जो एंटरटेनर जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना, इन एंटरटेनर को बोलने दें, लेकिन जो पॉइंट थे और अब फिर वजीर आजम ने जो चार चीजें कही है, जहालत और नाइंसाफी, उसके खिलाफ जो है तालीम, तो रिदा जहालत का लफ्ज गलत है, जाहिल अबू जहल से जहालत आई थी और अबू जहल पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसा नहीं है दानिशवर था उसका, लेकिन जहालत का मतलब जो पढ़ा लिखा जाहिल होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, अगर वाली जहालत खत्म कर रहे हैं तो बात सही है, ले ये कहें कि ना खानदगी जो है उसका खात्मा, उसके खिलाफ जात, और ये पीपल्स पार्टी और नून को चाहिए और दूसरी जमातों को कि डायरेक्शन से नहीं हटने दे, पूछे कि जनाब ये जो अब देखे ना दूसरे के पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं, अब मैं चौड़ा होकर घूमू तो मैं बेवकूफ हूँ ना, अब अम्मार को पता हो कि जनाब डॉक्टर करीम से पैसे लेके फरान ने अपने जेब में रखे हुए, आपके पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब ने इतने दे दिए, टर्की इतने दे रहा है, चीन भी इतने दे रहा है, ये देने के लिए जाओ ये अपनी जेब में रखो, जैसे हम बच्चों को नहीं देते थे ईद में, अब कभी कभी नए नोट आते थे, टर्की भी टर्की से मुझे याद आया कि टर्की भी इन्होंने बेच के मामला ठीक कराए, कभी कुछ विजिट होने वाले हैं, ईमानदारी से बताऊं मैं सलूट पेश करता हूं अपने जर्नल अपने सिपहसालार कमांड बाजवा साहब को कि जो खामोश सिपाही का किरदार अदा कर रहे हैं, हर मास में कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी के अंदर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर कर रहे हैं, इनके पास इनके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है पूरी दुनिया में, चाइना में वो माहौल बनाकर आए, बर्तानिया में वो माहौल बनाकर आए, सऊदी अरब में उन्होंने माहौल बनाया, दुबई में उन्होंने माहौल बनाया, टर्की में उन्होंने माहौल बनाया, मैं इस काम के ऊपर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी पूरी कौम को जनरल कमर बाजों को इसमें, हाँ जब पॉलिटिकली कोई मामला आते हैं जो पॉलिटिकल इंटरफेयर नजर आती है इंटरवीन नजर आती है उसमें हमारा हक बनता है हम तनकीद करें, लेकिन ये सारा क्रेडिट ऑल क्रेडिट गोज टू माय सिपहसालार जनरल कमर बाजवा साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज फरान साहब आपका।
सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जैसी बात है, सीनियर लोग होते हैं जब, तो हमें हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। इतनी सारी बातें हो रही होती हैं कि दिल ही चाह रहा होता है उसके एंड की जाए गुफ्तगू, लेकिन वक्त की कमी के आड़ जो है वो मजबूर होते हैं हम भी। जाते थे जी, आज की वार्डरोब की बात करते हैं। आज वार्डरोब स्पॉन्सर किया लाइबास कलेक्शन ने। और एक और बात बता दें आपको यहाँ पे कि आपके लिए गुड न्यूज़ है खवातीन के लिए खासतौर पर, कि जी लाइबास कलेक्शन के ऊपर 30% जो है वो सेल लगी हुई है सर, विंटर क्लियरेंस सेल। तो जी आप वहाँ जाके जल्दी जल्दी जो है अपनी मर्जी के पसंद के जो ड्रेसेज हैं वो वेयर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं, जो भी पसंद करना है आपने ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो जी ये आज का प्रोग्राम था, और कोशिश यही रही कि आज का प्रोग्राम भी जो है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और कुछ ना कुछ यहाँ से जो है वो इश्यूज भी आपके एड्रेस करा कर ही जाए। एग्जैक्टली जी, और ये हमारी कोशिश इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। बहुत सारे मसाइल के हवाले से निशानदेही की गई है, पैगामात भेजे गए हैं, यकीनन हमारी कोशिश में शामिल रहता है कि आपके मसाइल के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम में बात की जाए। तो इंशाल्लाह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अपनी फीडबैक आप देते रहिए, प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करते रहिए। कल इंशाल्लाह नए मेहमानों के साथ, नए मौजूदात के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। मोहम्मद यासिर, रिदा, सैफी, गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।